आइए सर, आज हम जो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बेटे वो है सिमिलरिटी। जो मेन आपका चैप्टर है सिमिलर, इसकी हम बात कर रहे हैं। और बात हम जो कर रहे हैं वो ट्रायंगल की कर रहे हैं। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। सिमिलरिटी का जो मतलब होता है वो सिर्फ और सिर्फ जब भी कोई चीज हमें एक सी शेप में नजर आती है, सेम शेप, तब हम कहते हैं यू आर लुकिंग लाइक दिस। लाइक वर्ड जहां आता है बस वही हो जाता है कि सिमिलर है। ठीक है, आज तुम शाहरुख खान लग रहे हो, आज हीरो लग रहे हो, ठीक है, ये ताजमहल जैसा लग रहा है, ये फला जैसा लग रहा है, तो वहां पे सेम शेप से मतलब। हमने जो लास्ट डिस्कस किया था कि भाई हमारे पास जो पॉलीगन्स होते हैं, पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, ठीक है, आर सिमिलर। फर्स्ट फर्स्ट कि भाई ऑल एंगल्स या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंड इसके साथ साथ है ये सेकेंड, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये यहां भी हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कह सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर रोल। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने पॉलीगन्स की बात करी थी, बट आज हम सिंपल अगर हम बात करते हैं वो तो सिर्फ ट्राइंगल की बात करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखते चले जाए। एक्चुअली क्या है ये, अगर ट्राइंगल है, बच्चे प्लीज, तो यहां जब हम दूसरा ट्राइंगल बनाएंगे तो मान लीजिए हमने ये साइड ली, तो इसके लिए मैं एक साइड इसके अंदर ही बना दे रहा हूं, मैं लेने को तो अलग भी बना सकता हूं लेकिन मैं यही बना रहा हूं। तो ये जो शेप नजर आ रही है, ये जो शेप नजर आ रही है, कॉर्नर जो आपको नजर आ रहा है, बेसिकली वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। लेंथ तो आप चाहे छोटी कर दो चाहे बड़ी कर दो, वो डिपेंड करेगा ये एंगल। तो अगर आपने ये एंगल सेम कर दिया तो फिर आपको ये टॉप एक सा नजर आएगा। तो बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं कि भाई ट्राइंगल्स के अंदर जो सिमिलरिटी बात आ रही है, सेम शेप वाली बात आ रही है, वो एंगल पे डिपेंड कर रहा है। अब इसी तरह से मैं ये वाला कॉर्नर कह दूं कि ये वाला कॉर्नर कब आएगा, कि जब ये वाला एंगल सेम होगा। तो जैसे ही ये दो एंगल आपके सेम होंगे तो शेप सेम आनी शुरू हो जाए। और सबसे अच्छी बात यह है ट्राइंगल में, और फिर इसी प्रॉपर्टी पे हम दो प्रॉपर्टी कर लेंगे कि व्हेनेवर वी हैव टू एंगल्स इक्वल इन अ ट्राइंगल, थर्ड वन ऑटोमेटिकली विल बी इक्वल। भाई सपोज करो ये 60 था तो आपने इसको 60 कर दिया, ये 50 था आपने इसको 50 कर दिया, तो व्हेन वी हैव टू एंगल्स इक्वल 60 50 60 50, तो सम ऑफ ऑल थ्री इज 180। तो इन द बिग ट्राइंगल 60 50 110 ऑटोमेटिकली इट इज 70, इन द स्मॉल ट्राइंगल 60 50 110 द थर्ड वन इज ऑटोमेटिकली 70। तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल्स आर ऑफ सेम शेप whenever all the angles are equal। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है हमारे पास कि अगर ये मेरे पास ट्राइंगल है बेटे ए बी सी और ये मेरे पास ट्राइंगल है डी ई एफ, ध्यान से देख लीजिए, इन चीजों पे बहुत हम ज्यादा फोकस करेंगे और इसी से क्वेश्चन बनेंगे, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जो वर्ड आता है कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, तो एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग डी है, ये 60 तो ये 60, तो 60 वाले के ही कॉरेस्पॉन्डिंग लिखना है, तो यहाँ हो गया डी। अभी हम थोड़ा सा घुमाएंगे फिर आएंगे। तो वैसे तो कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब मैं जो कहता हूँ वो ये कहता हूँ कि भाई टॉप को टॉप से कंपेयर करो, राइट साइड वाले को राइट साइड से कंपेयर करो, लेफ्ट वाले को लेफ्ट से कंपेयर करो। लेकिन अगर हमने एक फिगर सीधी रखी हुई और एक को हमने घुमा के कर दी तो हमें उस टाइम टॉप और बॉटम का पता नहीं चलेगा, तब हम वैल्यू से ही कंपेयर करते हैं कि अच्छा भाई ये वाली वैल्यू इसके है तो ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये वाली वैल्यूज क्या है तो ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो फिलहाल आप वैल्यू से ही समझिए कि
एंगल ए 60 है तो ए के कोरस्पॉन्डिंग कौन है 60 वाला, और 60 वाला कौन है डी। तो अगर हमने पहला लेटर ए लिखा है, प्लीज ध्यान से समझ लीजिए, इससे ही क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। जब तक आप ये कोरस्पॉन्डेंस नहीं समझेंगे वैल्यूज नहीं आएंगी। तो ए सिमिलर इक्वल्स टू डी, तो अगर आपने फर्स्ट ए लिखा है तो फर्स्ट डी लिखना है। अब आपने सेकंड लिख दिया बी, तो बी हमारे पास ये है और बी 70 है, तो यहाँ कौन 70 है ई, तो यहाँ सेकंड में ई आना चाहिए। अगर आप दो प्लेस कर दोगे थर्ड तो ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा, तो हमारे पास सी है 50 तो उसके लिए एफ है। क्या मतलब है इस कॉरेस्पॉन्डेंस का आप सुनिए, जो आपके पास ट्राइंगल ए बी सी है, सब बच्चे जरा ध्यान से सुन लीजिए, ट्राइंगल ए बी सी का नाम बेटे आप ऐसे लिख सकते हो, 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 आप ऐसे लिख सकते हो। ये चीजें किसी बुक में नहीं मिलेंगी। फिर ट्राइंगल ए बी सी को आप ए बी सी लिख सकते हो, बी सी ए लिख सकते हो, सी ए बी लिख सकते हो, सी बी ए लिख सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास ये इतने सारे टाइप हो सकते हैं नाम लिखने की। लेकिन अगर आपने एक ट्राइंगल का नाम लिख दिया तो दूसरा उसके अकॉर्डिंग लिखना है। तो ए बी सी के अकॉर्डिंग तो आप लिख चुके, सपोज करो मैं आपसे कह रहा हूं बी सी ए आपने लिखा है, नाउ बी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल, तो आपको बी देखना है, बी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, बी यहाँ है पहला तो ई के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो पहला लेटर ई आएगा। दूसरा हमारा सी है तो सी हमारा है 50 तो एफ आएगा, तो यहाँ एफ आएगा, और अगर ई आ चुका एफ आ चुका तो थर्ड डी आएगा। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर। यस सर। जरा यहाँ चेक करो सीबीए को किस तरह से आप बताओगे, सीबीए विल सिमिलर टू ट्राइंगल, तो सी हमारा किसके इक्वल है एफ के, ये 50 तो ये 50, तो यहाँ पहला 50 आएगा एफ आएगा, फिर आपने दूसरा लिखा है बी, बी आएगा ई के, तीसरा कौन बचा डी। कुछ समझ में आया? यस सर। तो पहली चीज तो ये कि ट्राइंगल सिमिलर होते हैं इफ ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो ये प्रॉपर्टी हो गई आपकी एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ ऑल थ्री एंगल्स ऑल एंगल्स ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ बेटे, अगर दो इक्वल है तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है, तो हमें जरूरत नहीं है तीनों की, हम दो से भी काम चला लेंगे, तो इसको हम कहते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी, और तीन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब दो से काम चल जाता है। तो जब भी मुझे एंगल की जरूरत पड़ेगी मैं दो से ही काम चला लूं। ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल देन ट्राइंगल सिमिलर, एनी टू एंगल्स आर इक्वल देन ट्राइंगल सिमिलर। तो जब मेरा काम टू से चल रहा है मुझे थ्री की जरूरत क्या है, तो जरूरत ही नहीं रहेगी। तो दो से ही हम, जब भी हमें ट्राइंगल सिमिलर करना हो और एंगल बेस करना होगा तो हम दो एंगल ढूंढ लेंगे और ट्राइंगल सिमिलर कर देंगे, और जब ट्राइंगल सिमिलर कर देंगे तो उनका नाम ऐसे लिखेंगे कि भाई कौन सा ट्राइंगल कौन सा एंगल किसके कोरस्पॉन्डिंग। क्लियर है? जरा छोटी सी एक चीज देखो, इसी पे बेस में आपसे बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी तो बाद में लिखेंगे। क्वेश्चन इस तरह से बनता है, अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ गया है, उसमें आ चुका है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जामिया में आ चुका है, कंपटीशन में आ चुका है, आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, ध्यान से सब बच्चे देखो जरा, अगर थोड़ा सा भी समझ में आया तो। ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ बस एक चीज बता दूं आपको कि अगर एंगल 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 इक्वल है या टू एंगल इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर है, या मैं जिस तरह से लिखता हूं वैसे सुन लीजिए, इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंड इसका उल्टा, If corresponding angles are equal, then triangles are similar. अगर triangle similar, तो angle equal. अगर angle equal, तो triangle similar. जैसे हम उसमें कर रहे थे, line parallel, तो ratio same, ratio same, तो line parallel. अब ये question आपको दिया हुआ है। आपसे क्या कह रहा है? Triangle XYZ similar to PQR.
तो मैंने आपसे कहा ट्राइंगल सिमिलर एंगल इक्वल, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ, प्लीज ध्यान से देख लो, इफ एंगल एक्स इज इक्वल टू 80 एंड एंगल आर इज इक्वल टू 70, आपसे कह रहा फाइंड ऑल एंगल्स। क्वेश्चन समझ में आया सब बच्चों को? हमसे क्या कह रहा है कि भाई एंगल एक्स तो 80 है और एंगल आर 70 है, लेकिन हमारे पास 6 एंगल हैं, एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर, तो आपसे कह रहा है बाकी के सारे एंगल्स बताओ। क्या कोई बच्चा बता सकता है? एक्स किसके इक्वल होगा? एंगल पी के इक्वल होगा। वेरी गुड, तो अगर x हमारा 80 है बेटे, अगर x हमारा 80 है, हमारा 80 होगा, यस सर, सब बच्चे बताओ, यस सर, अच्छा r कितना है? 70। r किसके इक्वल होगा? z के, एंगल z के। वेरी गुड, तो z 70 होगा। अब बताओ अगर दो एंगल पता है तो तीसरा कितना होगा भाई? 180 में से माइनस कर देंगे सर। 180 माइनस 150 तो कितना बचा? 30। वाई किसके इक्वल होगा? क्यू। कुछ समझ में आया सबको या नहीं आया? पूरा आया। यस सर। हाँ भाई पूरा गया सर। ये हाँ बोलो सर, ये पी और ये क्यू सर इसके इक्वल कैसे हो गया एक्स के? क्या नाम है? तौहीद। तौहीद ये क्या लिखा है बेटे? इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये ट्राइंगल कैसे दिए हुए हैं? सिमिलर, तो इनके एंगल कैसे होंगे? इक्वल। इक्वल, लेकिन मैंने क्या बताया है, पहला वाला एंगल किसके इक्वल? 80। अरे पहला वाला किसके इक्वल? पी के, पहले के। दूसरा वाला? दूसरे के। तीसरा वाला? तीसरे के। तो x कितना दिया हुआ है? 80। तो x किसके इक्वल? पी के। और r कितना दिया हुआ है? 70। 70। और r किसके इक्वल? z के। चार एंगल मिल गया आपको? यस सर। अब आपके पास दो का मान लो 80, x और z हो गया 80 और 70, कितना हो गया सम? 150। सबको आ रहा है? इतना ही इजी है, कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि आपको यहीं पे इंशाल्लाह समझ में आ जाए। और मैं आप देखेंगे मैं ज्यादा से ज्यादा 4-6 क्वेश्चन डिस्कस कर पाता हूँ एक क्लास में, तो 4-6 रिवाइज करने में तो थोड़ा सा भी समझ के कर लोगे, फिर अपने हाथ से फेयर कॉपी पे लिख लेना, किताब बंद कर देना, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ लेना, बस इतनी सी कोशिश। चलो देखो, तो हमने क्या पढ़ा अभी, हमने यही पढ़ा बस, ट्राइंगल्स आर सिमिलर व्हेन एंगल इक्वल। आ जाओ सब, बता भी दिया भाई क्यों सिमिलर होते हैं, भाई शेप सेम करना है और शेप सेम जो है वो एंगल पे डिपेंड कर रहा है। भाई सीधी सी बात है, अगर मेरे पास एक तो है एक्यूट एंगल ट्राइंगल और एक है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, तो दोनों की शेप कैसे सेम हो जाएगी? दोनों की शेप सेम ही नहीं हो सकती जब तक एंगल नहीं सेम बने। तो एंगल सेम होते ही ऑटोमेटिकली शेप सेम हो जाती। तो आप क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ फर्स्ट प्रॉपर्टी एंगल 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 सिमिलर, इफ ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि सर जरूरी नहीं है तीनों एंगल लो, सर दो एंगल से भी काम चल जाएगा एंगल एंगल सिमिलरिटी। व्हेनेवर टू एंगल्स आर इक्वल देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है जी, ये हमारे पास है। जरा ध्यान से देखिए, और मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये मेरे पास ट्राइंगल है, सब बच्चे प्लीज ध्यान से, ये मेरे पास है P, ये मेरे पास है Q, ये मेरे पास है R, ये मेरे पास है X, Y, Z। सब थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा, 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, आपकी NCERT का क्वेश्चन है,
आपसे कह रहा है सर ये एंगल है 100 और सर ये एंगल है 30, सर ये एंगल है 50 और सर ये एंगल है 30, आपसे पूछ रहा है आर दीज टू ट्राइंगल्स सिमिलर और नॉट? यस सर सिमिलर हो जाएंगे. यस सर. एक्स वाई जेड सिमिलर. आर दीज टू ट्राइंगल सिमिलर यस और नो? यस सर. यस सर. यस सर. सिमिलर हैं? क्या एंगल इक्वल हैं? हमारे पास तीन दो प्रॉपर्टी हैं, या तो तीन एंगल इक्वल हो जाएं या दो एंगल इक्वल हो जाएं. तो यहाँ दो एंगल इक्वल दिए हुए हैं, 30 तो 30 के इक्वल है बट ये 100 है या 50 है. सर एंगल जेड जो है वो तो 100 हो जाएगा ना. एंगल जेड. वेरी गुड वेरी गुड शाबाश. अगर आप इतना सोच पा रहे हो तो इसका मतलब बहुत अच्छी बात है. वेरी नाइस. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आपको दो एंगल दिए हुए हैं और वो आपको डिफरेंट दिख रहे हैं तो जस्ट फाइंड थर्ड एंगल. अगर यही दोनों इक्वल हो जाते फिर तो बगैर सोचे समझे आप सिमिलर लिख सकते थे. अब आपको क्या करना है, थर्ड निकालना है. भाई P 100 है, R 30 है, तो 130 क्या हम Q निकाल सकते हैं? यस सर. 50. कितना? 50. अब अगर ये 50 है, ये पहले से 50 है, दो एंगल इक्वल हो गए तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए. यस और नो? यस सर. यस सर. एंगल्स आर इक्वल, ट्राइंगल्स आर सिमिलर. क्लियर? अब आप चाहो तो जेड भी निकाल सकते हो. ये 50 30 80 तो आपका जेड हो गया 100. अच्छा चलो नाम बताओ, कौन बताएगा? मैं नाम लिखूंगा एक का, दूसरे का आपको बताना है. प्लीज ध्यान से देख लीजिए. ओके सर. करेंगे या हम क्या करेंगे, जब आपको लिखना होगा तो आप इस तरह से लिखेंगे. आप ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए एंगल पी, मैं यहाँ आपके लिए लिख भी रहा हूँ, पी 100 है, किसके इक्वल है? जेड के. क्यू किस एंगल इक्वल है? एंगल एक्स. एंगल एक्स. ध्यान रखिए लेटर्स, ये अल्फाबेट्स बहुत मैटर करेंगे जब अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो इसलिए याद रखिए कॉरेस्पॉन्डेंस, किसका रिलेशन किसके साथ है. आर 30 वाई एंगल वाई. अब एक नाम मैं लिख रहा हूँ, आप मुझे दूसरा नाम बताएंगे. सपोज करो मैंने लिख दिया ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू वाई जेड एक्स. वाई जेड एक्स क्यू सिमिलर टू. अब आपको क्या करना है, वेरी गुड शाबाश. अब आपको क्या करना है, तीन लेटर्स लेने हैं आपको, तो तीन लेटर आपको कोरेस्पोंडेंस में लेने हैं कि भाई आर किसके पहला कौन आएगा, पी सेकंड कौन आएगा, क्यू थर्ड कौन आएगा. तो आर देखो कितना है, 30. आर कितना, 30. यहाँ 30 कौन है, वाई. वाई तो यहाँ क्या आएगा, वाई. वाई समझ में आ रहा है? यस सर. यहाँ पे पी है, पी कितना है, 100. यहाँ पे 100 कौन है, जेड. जेड पी अगर सेकंड है तो यहाँ जेड सेकंड है. अब तीसरा तो अपने आप आ गया, वाई जेड आ गया तो एक्स ही बचता है, सोचने की जरूरत नहीं है. क्यू मेरा 50 है तो मेरा एक्स 50 है. यस सर. तो आपके पास मैंने आपसे क्या कहा, ट्राइंगल्स आर सिमिलर If two angles are equal, ठीक है, any two angles, और जिस तरह से नाम लिखे होंगे वैसे ही फिर हम उन्हें सिमिलर कहेंगे. क्लियर है सब बच्चों को? यस सर. गुड. आइए तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है. तो हमारे पास दो प्रॉपर्टी हो गई, पहला हो गया एंगल 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 सिमिलरिटी, दूसरा हो गया एनी टू एंगल सिमिलरिटी. अब होता क्या है, असल में अगर आपके पास क्या हो, ये हमारे पास साइड है 10, ये हमारे पास है 8, ये हमारे पास है 6. तो अगर आप सेम रेशियो में, जिसे हम कहते हैं यहाँ 10 है, मैंने इसका आधा कर दिया, मैं ऐसा ट्राइंगल बना रहा हूं कि भाई सारी साइड आधी हो जाए, ये 5 हो गई, ये सर 4 हो जाए, ये सर 3 हो जाए, तो आप देखेंगे कि आपको सेम शेप नजर आ जाएगी. भाई सीधी सी बात है, एक बिल्डिंग है हमारे पास और हम उसकी जो मंजिल ले रहे हैं कि अगर ये 20 मीटर की है तो 2 मीटर ले लिया या 2 फुट ले लिया. तो अगर सेम रेशियो में प्लेस करते चले जाएंगे कॉरेस्पॉन्डेंस के हिसाब से, कि ये 10 है तो इसी का हाफ, ये 8 है तो इसी का हाफ, ये 6 है तो इसी का हाफ, तो आपको शेप सेम आएगी. तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है साइड साइड साइड. इफ
corresponding sides are proportional. Corresponding sides are proportional. Proportional का मतलब are in the same ratio. In the same ratio. Then triangles are similar. ध्यान से देख लीजिए, यहां हम congruence की बात नहीं कर रहे हैं कि साइड इक्वल हो तब, नहीं, सिर्फ corresponding sides proportional हो जाए. मतलब ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, ये पास C है, ये P, ये Q, ये R, तो रेशियो की बात कर रहे हैं. ए बी अपॉन पी क्यू 2/1, 10/5, 2/1. बी सी, बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए सी अपॉन पी आर, ये हमारे पास. तो अगर तीनों साइड सेम हो जाए, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, अगर तीनों साइड का रेशियो सेम हो जाए तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं. ये हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी है. इस पे हम करेंगे अभी, एक मिनट दो बस मुझे. जी साहब, राजीव सर का पिछली बार भी जाने का हो रहा था, जा नहीं पाए थे, पूछ लिए. तो वही तो कह रहा हूँ, जल्दी जल्दी मत जाया करो, एक ही बार जाया करो. चलो अल्लाह ताला के पास नाम. हाँ जी सर, जाओ अल्लाह हाफिज. आवाज आ रही है भाई? जी सर आ रही है. चलो जी देखो, इधर हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है बेटे, एक ट्राइंगल सपोज करो, ध्यान से देखो जरा. एक ट्राइंगल ये है. अब मैं आपसे कह दूं सर ये मेरे पास 8 है, ये मेरे पास सपोज करो 16 है, ठीक है, ये मेरे पास 20 है, ये 10 है, सपोज करो ये मेरे पास 12 है, ये 6 है, लाइक दिस. तो ए बी सी पी क्यू आर, अब आपको देखना है कि साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है. भाई ये 8 है, ये 16 है, तो 8/16 1/2. ये 6 है, ये 12 है, 1/2, ठीक है जी. अच्छा ये थोड़ा सा हमने उल्टा कर दिया, हमने उल्टा क्या कर दिया, यहाँ सर 2/1 हो जाएगा ना ये. यस गुड, इसका मतलब कोई बच्चा है जिसका दिमाग अल्लाह का शुक्र चल रहा है. गुड, तो 8/16 1/2, 6/12 1/2, 10/20 1/2. तो अब रेशो ध्यान रखना है, क्योंकि वहां एंगल से आपको नाम पता चल रहा था या साइड से पता करना है. ध्यान से देख लीजिए इस पे, और क्वेश्चन आपका पूरी एक्सरसाइज खत्म, बस इतना ही दिखाना है.
हमारे पास क्या है, ए बी अपॉन ए बी का रेशो पी आर के साथ आ रहा है 8/16। अच्छा ए सी 6/12 पी क्यू के साथ आ रहा है पी क्यू, और बी सी क्यू आर के साथ आ रहा है। अब जरा ध्यान से देख लीजिए, पहला नाम तो आप जैसे चाहे लिख दो ए बी सी सिमिलर टू। अब यहां क्या कंफ्यूजन होगा देखिए, कि आपका ए बी का जो नाम है वो पी आर के साथ आया हुआ है, तो आप लिख सकते हो पी आर, लेकिन क्या पी आर साइड को मैं आर पी भी लिख सकता हूँ? यस सर नो? यस सर। यस सर। भाई हमें नहीं पता ना ए बी पी आर कहूं या आर पी कहूं, क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं तीसरा लिखूंगा, अब पी आर के साथ तीसरा बचेगा क्यू, आर पी के साथ तीसरा बचेगा क्यू, तब आपको देखना पड़ेगा कि सही है बात सर, ए बी का तो पी आर के साथ रेशो आ गया, लेकिन जैसे ही दूसरा वाला चेक करोगे आंसर आ जाएगा। दूसरा वाला है बी सी, पहले दो से लाइन बनेगी, लास्ट दो से लाइन बनेगी, और फर्स्ट एंड लास्ट से एक लाइन बनेगी। तो जैसे ही आप लास्ट टू को चेक करोगे कि बी सी, तो बी सी किसके साथ है? क्यू आर। क्यू आर के साथ, तो बी सी क्यू आर के साथ। बी सी अगर यहाँ लास्ट टू है तो यहाँ तो पी क्यू हो गया, गलत हो गया। तो बी सी यहाँ किसके साथ आ रहा है? आर क्यू। वो सही, आर क्यू के साथ। तो ए बी हो गया पी आर के साथ, बी सी हो गया क्यू आर के साथ। अब तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, ए सी पी क्यू किसके साथ आ रहा है? किसके साथ आ रहा है? पी क्यू। पी क्यू, पी क्यू, देखो ए सी पी क्यू के साथ है या नहीं? Yes, sir. समझ में आया? Yes, तो आपको yes, ध्यान रखना है कि भाई ए बी, तो दो चीजें सोच लिया करो कि मैं पी आर लिखूं या आर पी लिखूं। जैसे ही तीसरा रखोगे चेक कर लो, तो वही वाला नाम, तो इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी आ गई कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर वाई साइड 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 ऑल थ्री साइड्स नॉट इक्वल प्रोपोर्शनल। इक्वल तो कॉन्गुरेंट करेगा, और मैं ये पहले ही कह चुका हूँ congruent triangles are similar। जब हम triangle congruent करते हैं तो उसमें similar का sign तो आ ही रहा है। All congruent triangles are similar, but all similar triangles are not necessarily congruent। ये हमारे पास reverse नहीं है जरूरी। तो ये हमारे पास हो गई तीसरी property। और last, और फिर exercise के question, बस इंशाल्लाह खत्म आपका exercise। इतना ही simple है, बीपीटी से भी easy है। हमारे पास last क्या है कि भाई अगर मैंने आपसे कहा था कि ये हमारे पास है ट्राइंगल एबीसी, अगर मैंने क्या किया, ये मेरे पास सपोज करो 8 था और मैंने यहां 4 साइड ले ली 4, और ये मेरे पास सपोज करो 12 था और इसका मैंने साइड ले ली 6, और मैंने क्या किया ये एंगल सेम ले लिया, अगर ये 60 है ये एंगल भी 60 ले लिया, तो ध्यान रखना ऑटोमेटिकली ये जो साइड आएगी मेरे पास ई से उसका रेशो भी सेम आएगा और ये एंगल भी सेम आएंगे ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब साइड एंगल साइड, इफ टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल इंक्लूडेड एंगल, बस यार कंडीशन यही है, अभी क्वेश्चन बताऊंगा आपको कि एंगल उन दोनों के बीच वाला इक्वल होना चाहिए। वन एंगल इक्वल, लेकिन वन एंगल कौन सा? इंक्लूडेड, उन दोनों साइड को जिनका रेशियो सेम है उनके बीच वाला एंगल अगर इक्वल है देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है साइड एंगल साइड, इफ द रेशियो ऑफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो वी हैव 4 प्रॉपर्टीज टू मेक ट्रायंगल सिमिलर। फर्स्ट, पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल। यस सर। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एनी टू एंगल ऑल थ्री साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल। तो दीज आर 4 प्रॉपर्टीज टू मेक टू ट्राइंगल सिमिलर। बताओ कुछ बात समझ में आई या नहीं? यस सर। हाँ भाई ठीक है जी सर। अब इसका रिवर्स, सीधा सीधा सा रिवर्स क्या है, और ये हमारे क्वेश्चन है, बस खत्म।
रिवर्स क्या है, इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इफ ट्राइंगल आर सिमिलर, इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इक्वल यस सर, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पहली चीज. सेकेंड, corresponding sides are proportional, corresponding sides are proportional. तो दो चीजें हमारे पास are proportional. अगर आपके पास triangle similar हैं, तो corresponding angle equal होंगे और corresponding sides proportional होंगे. अगर angle equal है, दो तीन angle equal है, दो angle equal है, तो triangle similar. तीनों साइड प्रोपोर्शनल है तो ट्राइंगल सिमिलर. साइड एंगल साइड टू साइड प्रोपोर्शनल और वन एंगल इक्वल तो ट्राइंगल सिमिलर. और अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो वापस सीपीसीटी था वहां कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यहाँ सीपीएसटी कह लीजिए कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. तो ये हमारे पास. अब जरा ध्यान से देखो एक क्वेश्चन कितना मजेदार है. समझ में आ गया मैंने क्या पढ़ाया? जी सर. Two triangles are similar. If pehli condition, two triangles are angles similar. If all corresponding angles are equal, three angles any two angles are any two angles equal. All sides all three sides are proportional. Proportional. Any two sides are proportional. One angle are equal. 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 And if triangles are similar. Then corresponding angles are equal. Corresponding sides are proportional. क्या वजह सब थके हुए हैं क्या? छुट्टी करें? आवाज नहीं आ रही. सर थके हुए तो नहीं है, आप पढ़ा सकते हैं. आवाज शायद धीमी जा रही है. नहीं मैं तो नहीं थका अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो पढ़ा लूंगा, लेकिन आप लोग मर्जी है. आधे घंटे और पढ़ा लो अभी, हम तो छुट्टी. नहीं सर मैं तो तीन घंटा भी पढ़ा लूंगा, मेरी कोई. सर खत्म कर दो फिर. मेरे तो आपको बताया था इंशाल्लाह 8 घंटे चाहिए पूरा 10th का सिलेबस खत्म करने. चलिए सर अभी से शुरू हो जाते हैं. आओ सर देखो इधर ध्यान से, जो अभी हमने सेकंड एक्सरसाइज में किया था उसको कितने आसानी से करते हैं. आपसे क्या क्वेश्चन दे रहा है देखो सब बच्चे ध्यान से, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है. इन ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, प्रूव दैट एओ अपॉन बीओ इज इक्वल्स टू सीओ अपॉन डीओ. हाँ भाई क्या था क्या ये अभी हमने प्रूव? क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है. वहां हमने बीपीटी यूज किया था, यहां हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करेंगे. हम देखो कितना इजी है. आप सब बच्चे जरा ध्यान से फिगर ड्रॉ करो. ये जो गिवन है इसके हिसाब से फिगर ड्रॉ करो कि भाई हमारे पास सर ये है. सब बच्चे प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो, कितना मजा आएगा. कुछ भी नहीं है बीपीटी में, तो सोचना भी पड़ रहा था, यहाँ तो सोचना भी नहीं पड़ेगा. ए बी सी डी, व्हाट इज गिवन? ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ क्या है भाई? डायगनल्स हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे. ये गिवन है. अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं सब बच्चे प्लीज ध्यान से देखो. मैं आपसे कह रहा हूं बेटे आप जो है जो मुझे प्रूफ करना है उसे मार्क करो. जो मुझे प्रूफ करना है मुझे चाहिए एओ, सब ध्यान से थोड़ा सा. मुझे चाहिए बीओ, मुझे चाहिए सीओ, मुझे चाहिए डीओ. तो अगर आपने मार्क किया तो दो ट्राइंगल निकलेंगे. दो ट्राइंगल इन चार साइड से दो ट्राइंगल बनेंगे. कौन कौन से बनेंगे देखो सब बच्चे ध्यान से. देखो कितना इजी क्वेश्चन, मजे मजे में खत्म. ये देखो जरा ध्यान से, मेरे पास ये ट्राइंगल हो सकता है ए ओ डी और ये ट्राइंगल हो सकता है बी ओ सी. अगर मैं किसी तरीके से इनको सिमिलर कर दूं रेशो अपने आप इक्वल आ जाएगा. समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? Yes, मैंने आपसे कहा चार साइड मार्क करो,
मार्क करते ही पता चला अरे सर ये तो ट्राइंगल बन रहे हैं, इनका रेशियो इक्वल लाना है, रेशियो तो अपने आप इक्वल होता है अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, तो अगर मैं इनको सिमिलर कर दूं तो रेशियो अपने आप आ जाए। बट यहाँ मैंने एक गलती कर दी जानबूझ के। एक्चुअली क्या है, मुझे गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी। क्या गिवन है भाई? जो गिवन है उसको यूज करना है, मैं हमेशा ये कहता हूँ। तो सर मुझे ए बी सी डी चाहिए, तो मुझे तो ये चार साइड ही तो यूज करनी है। क्या मैं ये वाले ट्राइंगल यूज कर लूं? यस सर। सब बच्चे बताओ समझ में आ रहा है क्या? ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो आप सोचो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं। ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तीनों एंगल इक्वल हो जाए, दो एंगल इक्वल हो जाए, तीनों साइड सेम रेशियो में आ जाए, दो साइड प्रोपोर्शनल हो, एक एंगल इक्वल हो जाए। अब जरा ध्यान से देखो, गिवन की बात करनी है। सर मैं बताऊं? सर पैरेलल। अभी एक सेकंड, बाकी सारे आप ही बताओगे, पहला क्वेश्चन देख ले। हमें जो गिवन है वो सिर्फ लाइन पैरेलल है, और लाइन पैरेलल होने से सिर्फ एंगल्स इक्वल होते हैं, साइड्स का रेशो मुझे नहीं पता चलता। तो ये दोनों तो हटा दीजिए, साइड वाली बात अभी नहीं करेंगे। अच्छा जब एंगल वाली बात करनी है तो तीन एंगल की बात क्यों करें जब दो से काम चल जाएगा? देखो कितना इजी है, आपने सिर्फ गिवन लिखा है, प्रूव लिखा है, फिगर लिखा है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। सब बच्चों को आता है इसका मतलब। मैं आपसे कह रहा हूं मुझे दो एंगल चाहिए, तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में कोई से दो एंगल बच्चों इक्वल बताओ। पहले तो सबसे इजी एंगल ये वाला है। ये तो सब यहाँ आ जाओ कैसे लिखोगे? इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। आप अच्छा है, मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ, ये नाम लिख लिया करो। ए ओ बी सी ओ डी लिखने से अच्छा है एंगल वन इक्वल टू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक नाम और लिख लो, थ्री फोर। क्या थ्री फोर में कोई रिश्तेदारी है? ये लाइंस कैसी है बेटे? पैरेलल। अगर ये लाइन पैरेलल है तो कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को? याद आ रहा है सबको? यस सर। वेरी गुड, आ जाओ। इतना इजी है ज्योमेट्री, मजे मजे से करोगे इंशाल्लाह। तो आप लिख दो बेटे, ये हमारा वन हो गया, ये हमारा टू हो गया, ये हमारा थ्री हो गया, ये हमारा फोर हो गया। एंगल थ्री इक्वल टू फोर alternate interior angles। ना BPT करना, ना converse BPT करना, ना line parallel करना, कुछ नहीं करना। जब भी दो एंगल इक्वल होंगे ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब पहले का नाम अपनी मर्जी से लिख लो, AOB, ट्राइंगल AOB सिमिलर। अब बताओ एंगल A किसके इक्वल किया था? C के। हाँ भाई बेटे, थ्री फोर के इक्वल था ना? यस सर। तो थ्री यहाँ है, फोर यहाँ है, तो ए यहाँ है, सी यहाँ है, फिर ओ आया, तो ओ तो ओ के इक्वल है, ओ के बराबर है, ओ सेंट्रल एंगल। तीसरा कौन बचा? डी बचा सर। सिमिलर क्यों लिखा हमने? बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी, एंगल एंगल, बस इतना ही लिख दो, बहुत है। समझ में आ गया सबको? यस सर। देखो आंसर आ गया। अब रेशियो लिखो, अगर ट्राइंगल सिमिलर रेशियो सेम तो ए ओ चाहिए मुझे। देखो इधर ध्यान से सब बच्चे, ए ओ AO, लेकिन AO के साथ कौन आएगा? CO। पहले दो यहाँ हैं तो पहले दो यहाँ, CO, AO, CO। अब मुझे BO चाहिए, BO यहाँ है, लास्ट टू, तो लास्ट टू के साथ कौन आएगा? DO। अब आप BO को यहाँ ले जाओ, CO को यहाँ ले जाओ, तो आपके पास क्या आ जाएगा? AO upon BO is equals to CO upon DO. बताओ, बहुत मुश्किल? बताओ ना कुछ? नो सर। हाँ भाई, बहुत मुश्किल है? नो सर। डॉक्टर डालना है क्लास में? यस सर। हाँ भाई, नोमान, नोमान है क्लास में?
नहीं है आज नुमान, समझ में आया सब बच्चों को? यस सर। यस सर। इसको जरा इसे इसे लिखो जरा जल्दी से, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। नोट करो, मैं बुक ले लूं एक मिनट। कैसे हैं? समझ में आया भाई? यस सर। गुड। यस सर। कितना इजी क्वेश्चन है, कितने कितने इजी इजी से क्वेश्चन है, सब बच्चे समझो जरा। सब कर सकते हैं माशाल्लाह से। अगर प्रॉपर्टी, अब आप देखो पूरी एक्सरसाइज सिर्फ किस पे बेस्ड है, कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर। बार बार मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। आर सिमिलर इफ ऑल थ्री एंगल्स, एनी टू एंगल्स इक्वल, ऑल थ्री साइड्स इन सेम रेशियो, टू साइड एंड वन एंगल, एंगल इक्वल साइड प्रोपोर्शनल, ट्राइंगल्स आर सिमिलर। एंड इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देयर एंगल इक्वल देयर साइड प्रोपोर्शनल। इतना सा कॉन्सेप्ट है, आपने दिमाग में बिठा लो सारे क्वेश्चन सॉल्व। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ, बहुत अच्छा। सर लाइट एक बंद करवा लीजिए, बहुत वो हो रहा है, दिख नहीं रहा। देखो अब कुछ बेहतर है, दूसरी वाली भी कर दीजिए। सारा बंद हो जाएगा, फिर बंदिया हो जाएगा। देखो अभी देखो जरा ध्यान से, आपसे कह रहा है एक ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे फिगर को भी ड्रॉ करेंगे। एस एंड टी आर पॉइंट्स, तो फिगर भी ड्रॉ करनी आनी चाहिए एज पर गिवन कंडीशन। ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, दो लाइनों का क्वेश्चन है। इफ एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, शो दैट, अब जो मैं आपसे बताना चाह रहा था, शो दैट ट्राइंगल आर पी क्यू। सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन का मतलब समझ में आ जाएगा। सिमिलर टू आर टी एस, ये क्वेश्चन है। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर,
पी आर एंड क्यू आर सर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी इज इक्वल टू आर टी एस शो दैट पी आर क्यू सिमिलर टू आर टी एस ये हमसे कह रहा है प्लीज ध्यान से देखिए आप सब बच्चे एस एंड टी ये हमारे पास तो आपसे क्या कह रहा है कि शो करो अब आप जरा ध्यान से देखो पहले तो फिगर ड्रॉ कर लो एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर तो एक ही ट्राइंगल है सर ये है ट्राइंगल पी क्यू आर S and T are points on side PR. तो PR पे S point है और T point QR पे QR पे कहीं T point है SP of triangle PQR if angle P angle P तो सर यहां बनेगा is equals to RTS RTS ये हमारे पास एंगल बनेगा तो ये आर टी एस और ये पी इक्वल है और आपसे कह रहा है आर पी क्यू बड़ा वाला ट्राइंगल और आर टी एस छोटा वाला ट्राइंगल सिमिलर करना है आर पी क्यू और आर टी एस को आपको सिमिलर करना है अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं सब बच्चे प्लीज ध्यान से सुन लीजिए एक ही क्वेश्चन में सबका आंसर है जब भी आपको ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए नाम लिख के देगा तो उसी में आंसर होता है आंसर क्या होता है सुन लीजिए अगर आपसे कह रहा है शो करो ये ट्राइंगल इसके इक्वल है सिमिलर है तो ध्यान से देख लीजिए एंगल आर आर के इक्वल होगा एंगल पी टी के इक्वल होगा एंगल क्यू एस के इक्वल होगा मतलब पहला पहले के दूसरा दूसरे के तीसरा तीसरे के इक्वल होगा रीजन आपको देने हैं दूसरा सुन लीजिए दूसरी सुन लीजिए पहले पूरी बात सुन दूसरी सुन लीजिए आर पी का रेशो आर टी के साथ पी क्यू का रेशो टी एस के साथ आर क्यू का रेशो आर एस के साथ इक्वल होगा रीजन आपको देने Done. अब आप जब भी ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए इससे इजी कोई आपको हिंट नहीं मिल सकता अब आपके पास ऑप्शन है कि आप तीनों एंगल यूज करते हैं दो एंगल यूज करते हैं साइड 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 यूज करते हैं साइड एंगल साइड यूज करते हैं खत्म और मिलेगा कहां से वो मिलेगा गिवन से गिवन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है ये दिया हुआ है दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल तो इसका मतलब जब साइड्स का रेशो तो दिया ही नहीं है फिर मैं कह रहा हूं मुझे साइड वाले तो यूज ही नहीं करने सर एक एक एंगल तो कॉमन है तीन एंगल भी यूज नहीं करने तो दो यूज करने तो आपको इस छोटे बड़े वाले ट्राइंगल ब्लैक वाले में और ग्रीन वाले में दो इक्वल करने और दो में सबसे अच्छी बात यह मैंने आपसे क्या कहा है मैंने आपसे कहा है कि भाई मेरे पास तो यहाँ पहले से दिया हुआ है कि सर हमारे पास ये सब बच्चे ध्यान से देख लो क्वेश्चन खत्म हो चुका मैंने अभी तक कुछ नहीं लिखा सॉल्यूशन तो मैं यहाँ से ही लिख रहा हूँ सॉल्यूशन तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ मैं आपसे कह रहा हूँ एंगल आर के इक्वल होगा आर पी क्यू में आर एंगल ये है yes, और आर टी एस में प्लीज ध्यान से देख लो आर टी एस में आर एंगल यही है तो दोनों एंगल क्या है कॉमन इक्वल हो गया common. तो आप क्या करोगे हमारे पास यही हो रहा है एंगल आर इक्वल टू एंगल आर कॉमन
एंगल P इज इक्वल टू पहला तो ये हो गया, दूसरा मैं आपसे कह रहा हूँ P R P Q में एंगल P ये है और R T S में एंगल T है, एंगल P इक्वल टू R T S इक्वल है, क्या मैं कोई रीजन दे सकता हूँ? गिवन सर, गिवन। और अगर दो एंगल इक्वल हैं तो आप कह सकते हो ट्राइंगल आर पी सिमिलर टू आर टी एस, कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल एंगल कितनी लाइन लिखी? तीन लाइन। तीन कितनी लाइन लिख रहे हो? तीन। अब बताओ अगर तीन नंबर आ गए गलती से, अगर एग्जाम में तीन नंबर आ गए तीन लाइन लिख के, किसके मजे आएंगे? हमारे। अच्छा माशाल्लाह बहुत, लेकिन आते नहीं आया क्या सर? है जी क्या कह रहे हैं? कह रहा हूँ ये दो ही नंबर में देंगे, तीन में देते नहीं, लेकिन दो आ जाएंगे कम है। नहीं तीन लाइन में दो नंबर मिल जाए मजा ना आ जाए। आया समझ में कुछ? जी सर। आओ एक क्वेश्चन और देखो बढ़िया वाला लास्ट क्वेश्चन। चलो जी देखो पहले किसी वाला ही करते हैं बाद में करेंगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मजाक कर रहा है आपसे, देखते हैं आपको आता नहीं आता है, चॉइस आपकी, आप जैसे चाहे उसे कर लो। आपसे क्या कह रहा है सब बच्चे ध्यान से, ये ट्राइंगल है एबीसी, और ये हमारे पास है ई पॉइंट, ध्यान से देख लीजिए, और हमसे कह रहा है ए बी ई, ये रेड वाला पोर्शन और ये देखो ये ए सी और ये यहां उसने डी दिया ए सी डी। हमसे कह रहा है गिवन में ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्गुरेंट ट्राइंगल ए सी डी, ये हमारे पास ए बी ई इज कॉन्गुरेंट ए सी डी। ये आपको गिवन है, ठीक है जी, ए बी कॉन्गुरेंट टू ए सी डी, शो दैट, इतना ही दिया हुआ बस। ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ए बी सी, ए डी ई सर ये ए डी ई हो गया छोटा सा, और ये ब्लू वाला ए बी सी इसके सिमिलर हो जाएगी, आपसे कह रहे हैं एंगल इज कॉमन, ठीक है भाई, ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ए बी सी ये हमसे कह रहा है। तो जब भी नाम लिखेगा आपको मैंने कह दिया कि भाई आप तीनों एंगल इक्वल कर दो, तीनों साइड प्रोपोर्शनल कर दो, दो एंगल इक्वल कर दो, साइड एंगल साइड कर दो चीज। तो हमारे पास गिवन क्या है ये बताओ पहले तो मुझे, ट्राइंगल ए बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट से कुछ मिलता है हमें? सारी साइड और सारे एंगल इक्वल ट्राइंगल, यस। अगर आपको ए बी ई ए सी डी के इक्वल कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी ए सी के इक्वल होगा? यस सर, ए सी के इक्वल होगा, यस सी पी सी डी, यस और नो? Yes, sir. Corresponding part of congruent triangle. आपने कहा जैसे यहाँ सिमिलर में corresponding ढूंढते हैं, ऐसे यहाँ भी ढूंढते हैं, पहले दो से ए बी बन रहा है, पहले दो से ए सी बन रहा है। अब इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास ए डी है और ये मेरे पास ए ई है, तो ये है ए डी
और ये है AE, तो क्या ये भी इक्वल होंगे? हाँ भाई, बाई सी टी, समझ में नहीं आ रहा, आवाज कम आ रही है? यस सर, समझ में। इधर देख लीजिए, दोबारा से मैं बता रहा हूं, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है बेटे, इसका नाम है ए बी ई, ये मेरे पास दूसरा ट्रायंगल है बेटे, इसका नाम है ए सी डी, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट दिए हैं तो इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये ए इक्वल होगा ए डी के, लेकिन मैंने ए डी इधर लिखा है, ए इधर लिखा है, बाय सी पी सी टी। तो अगर हमारे पास भाई ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 4 है तो ये भी 4 है, तो 10 बाय 10 का रेशो और 4 बाय 4 का रेशो 1:1 होगा, नहीं होगा? यस सर, यस सर। तो ये यही मुझे लिखना है, अगर मेरे पास ये साइड इक्वल है तो क्या मैं ऐसे लिख दू ए बी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए, क्या मैं ऐसे लिख दू? यस सर नो? यस सर। अब जरा देखो, मुझे जो चाहिए था, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, मुझे ये ट्रायंगल सिमिलर करने, क्या ये वाला एंगल दोनों में है, छोटे में भी और बड़े में भी? यस सर, यस सर, एंगल कॉमन। मैंने अभी आपसे कहा था अगर मुझे ट्रायंगल सिमिलर करने हैं तो ए बी का और ए डी का रेशो, ए सी का और ए ई का रेशो इक्वल होगा, रीजन आपको ढूंढना है। अच्छा, दूसरे एंगल्स इक्वल नहीं हो रहे थे क्योंकि बस एक ही था ए, और तो ए इक्वल टू ए कॉमन टू, तो फ्रॉम वन एंड टू ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है यहाँ पे? एंगल एंगल साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड। भाई बात समझ में आ रही क्या कुछ थोड़ी बहुत? जी सर आ रही है। कितनी कितनी लाइनें लिखनी पड़ रही हैं? बस चार चार, ज्यादा ज्यादा तीन चार बस इतने। तो कोशिश करेंगे सबके सब? यस सर। तो कोशिश कर लीजिए इंशाल्लाह, जितने क्वेश्चन आप ट्राई कर सकें उतना अच्छा है। ठीक है जी, सही है सर? सैटरडे क्लास होगी इंशाल्लाह, कल क्लास नहीं होगी, और सैटरडे क्लास से पहले छोटा सा टेस्ट होगा सेकंड एक्सरसाइज का। ओके सर। कौन सी एक्सरसाइज का? सेकंड एक्सरसाइज। ज्यादा दो क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, उसी टाइम क्लास में ही करके मुझे वापस भेजना होगा। कब होगा टेस्ट? सैटरडे संडे? सैटरडे इंशाल्लाह। ओके थैंक यू सर। ठीक है।